तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोडू। आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मल्टीक्राफ्ट। और गाइस, ये मेरा मल्टीक्राफ्ट का स्मॉल वर्ल्ड का पार्ट 9 होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को। मैं स्पॉन हो चुका हूँ, तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। तो भाई, आज का मेरा सबसे पहला टास्क तो ये है कि मुझे ये सारे पेड़ पौधे तोड़ के दोबारा से लगाने हैं। और भाई, मैं स्टोन दिखाता हूँ तुम लोगों को। और भाई, खाना भी मेरे पास खत्म हो चुका है लगभग। मतलब ये दो पटेटो रह गए, पिछली वीडियो में बहुत सारे थे। तो भाई, खाना देखो इतना सारा मुझ पर रखा हुआ। और स्टोन तो भाई साहब ये देखो भाई, सच्ची में अब तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे यही वाली मशीन लगी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट। और अबे ये आने से पहले ही जल गया। और हाँ, अभी तो वैसे भी नहीं आएगा, मुझे मालूम था, मुझे पक्की मालूम है कि भाई साहब ऐसे ही होता है। जब भी मैं कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, यही होता है। और हाँ गाइस, मैं अब तुम लोग को एक और चीज़ बताने वाला हूँ। तो आज मैं अपने यहाँ पर नहीं, आज नहीं, ये अगली वीडियो में करने वाले हैं भाई साहब। मैं अपना महल अगली वीडियो में रेडी करने वाला हूँ, पूरा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो कर ही लूँगा। और चलिए, अब मैं सीधे जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। और भाई, ये देखो पिकैक्स की हालत देखो। ये वाली पिकैक्स तो मैं बहुत ही कम खर्च करता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी मैं स्टोन की पिकैक्स इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे लिए, मतलब ये सब चीज़ है, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है नहीं। और हाँ, वुड भी मेरे पास ख़त्म हो चुकी है पूरी। अब तुम लोग सोचो वुड कहाँ गई, तो अभी मैं बता दूंगा तुम लोगों को वुड मेरी कहाँ जा चुकी है। तो भाई, अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ काम। तो भाई, सबसे पहले तो मुझे ये तोड़ने हैं। तो अभी पता नहीं क्या होता है, बार बार कोई नए नए अवार्ड मिलते जाते। अवार्ड तो कुछ नहीं मिलता, बस फालतू की नई नई चीज़ें खुल जाती हैं बस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं यही कर तो गाइस, ये देख सकते हो तुम लोग, मैंने यहाँ के सारी चीज़ें मतलब निकाल ली हैं वापस से। अब मुझको इनको दोबारा से प्लांट करना है। और उससे पहले तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि मेरे पास अब कितना सारा सामान हो चुका है खाने का। और भाई, पहले रखवा भी देता हूँ, देखो कैरेट, ये पोटैटो, नहीं पोटैटो ये रहे, हाँ, और ख़राब वाले पोटैटो भी मेरे पास आ चुके हैं। भाई, ये कूड़ा क्यों दे रहे हैं ये लोग। और भाई, यहाँ पर मेरे पास इतने सारे कॉर्न आ चुके हैं। और भाई, खाने का तो मेरे पास बहुत सारा सामान हो चुका है, बहुत सारा। और भाई, ये देखो इतनी सारी मेरे पास सीड और हैं, अब मैं इनको लगा दे रहा हूँ। और मुझे पक्की मालूम है ये भी बहुत सारी बचेंगी। अब पहले तो मैं ये देख ले रहा हूँ ये कौन सी है, वीट सीड। तो पहले तो मुझे यही लगानी है, क्योंकि भाई ये सबसे ज़रूरी है, मतलब ब्रेड बन जाती है इनसे तो। पर कोई बात नहीं, अब लगा देता हूँ मैं, वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा और फास्ट। तो गाइस, मैंने देख सकते हो तुम लोग, मैंने यहाँ की सारी वीट बदल दी है, मतलब दोबारा से नई सीड लगा दिए हैं। तो भाई, ये भी अब ग्रो होंगे। अब मैं बताता हूँ मेरा दूसरा काम क्या है। मेरा दूसरा काम ये है कि मैं यहाँ से जितने भी पेड़ हैं, ये सारे मैं पेड़ तोड़ने वाला हूँ आज। आज मैं इसलिए तोड़ने वाला हूँ पेड़ों को, क्योंकि भाई ये मेरे इस जगह पर कोई काम के नहीं है। भाई, इनकी वजह से मेरे थोड़ा बहुत खाना उग भी नहीं पाता है। भाई, इनको मैं तोड़ दूंगा तो मुझे और भी सीड मिलेंगी, और सीड मिलेंगी तो मैं इनको सीधे जाके दूसरी जगह पर प्लांट कर दूंगा। और दूसरी जगह भी कौन सी है वो मैं अभी बता दूंगा तुम लोग को। भाई, ये नई कौन सी एबिलिटी मिली है मुझे, पता नहीं कौन सी नई नई फालतू की चीज़ें मिलती जा रही हैं। तो भाई, अब मैं दूसरा भी पेड़ काट देता हूँ और मैं कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट। ये देखो, यहाँ के मैंने सारे पेड़ काट डाले हैं भाई। अब ये जगह कितनी खाली लग रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब सही लग रही है थोड़ी बहुत। पर शायद से पेड़ तब थे तब ज़्यादा अच्छी लगती थी, मतलब तब बिल्कुल लगती थी कि हाँ ऐसी यहाँ पर कोई, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ यहाँ पर खेती होती है, मतलब खाने का सामान होता है सारा सारा। तो भाई, तब थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता था, पर भाई ऐसे भी सही है, मुझे ऐसा ही करना था यहाँ पर, क्योंकि भाई मुझे वो जगह थोड़ी उन्हें अजीब सी लगती थी भाई। मतलब क्या है, एक जगह पर पेड़ करना चाहता हूँ मैं, ऐसा चाहता हूँ। भाई, ओ माय गॉड, भाई साहब यहाँ मकड़ी देख रहे हो, कितने जाले, हट
कितने जाले लगा रखे हैं भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा गलत है भाई, बहुत ज़्यादा मुझे बेकार लगते हैं ये जाले हर जगह पर लगा हुआ। और भाई मेरे वर्ल्ड में तो भाई साहब इतना लगा हुआ है ये जाला, बहुत ज़्यादा भाई। मैं कहता हूँ मेरा वर्ल्ड मेरा मतलब ये भी तो वर्ल्ड मेरा ही है ना। तो गाइस मैंने यहाँ के मकड़ी के सारे जाले हटा दिए, तो अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मेरे पास कितना खाना तो नहीं, मतलब ये सीड बची थी पहले तो मैं ये रखवा देता हूँ। और भाई कितना सारा सामान मेरे पास इकट्ठा हो चुका है, ये देखो। और भाई वुड देखो, वुड मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं थी, ये देखो है नहीं वुड मेरे पास, ये वाली है। और यहाँ से वुड कहाँ गई? अच्छा ये वाली वुड सारी खत्म होगी, मैंने मतलब ये वाली वुड देखी नहीं थी। यहाँ पर मेरे पास ये वाली भी वुड रखी हुई है, ये तो पुरानी वाली है, ये तुम लोगों को भी याद होगा, मतलब मैंने ये वाला पेड़ तोड़ा था। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो पेड़ था ना वो वाला मैंने पेड़ जब तोड़ा था ना उसमें मुझे मिली थी इतनी मतलब ये वाली इतनी सारी वुड। अब मैं बताता हूँ अब मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कॉर्न खा के देखने वाला हूँ कि ये कितनी हेल्थ बढ़ाता है। अगर ये हकीकत में हेल्थ बढ़ाता है अच्छी खासी तो मैं यही खाने वाला हूँ फिर बाद में, पर अभी तो कोई काम की नहीं है। और हाँ ये मेरे पास इतने सारे कॉर्न हो चुके हैं तो मैं पहले इनको रखवा देता हूँ पकने के लिए। अब मैं बताता हूँ और क्या मुझे करना है। अब भाई सबसे मैं ये वाला तो अपना सारा काम हो चुका है कंप्लीट, तो अब मैं वो वाली जगह पर उस वाली जगह पर मैं पेड़ लगाने की सोच रहा हूँ। नहीं पेड़ उस वाली जगह पर नहीं, मेरे हिसाब से इस वाली जगह पर पेड़ होने चाहिए। अब पता नहीं, तो भाई मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मैं कितनी लंबी जगह कर लिया इस जगह को भी। भाई ये तो पिछली वीडियो में ही तुम लोगों ने देख ही लिया होगा शायद से, तो भाई आज की वीडियो में इतना। गाइस वो भाई साहब वो देखो सामने एक और आइलैंड, ओ भाई ये कौन सा आइलैंड है भाई, देखना है मुझे एक बार भाई कैसे पास जाके। अबे यार ये वाला आइलैंड, ओ भाई साहब मतलब हमको न्यू आइलैंड मिल चुका है भाई, कितना ज़्यादा पास है, नहीं है पास तो नहीं है, पर फिर भी भाई साहब कितना ज़्यादा उस पर सैंड दिख रही है, मुझे सैंड लग रही है वो देखो तुम लोग। ओ भाई गौर से देखना पड़ेगा इसको एकदम भाई साहब, ये देखो ओ भाई ऐसे करके दिख रही है, ओ तुरी भाई साहब सैंड है और सैंड स्टोन भी है। ओ भाई मतलब नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब हम उसी जगह पर जाने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, भाई साहब बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब ये वाला काम जो मैंने किया ये तो छोटा मोटा काम था। हाँ अब मैं तुम लोग को नीचे जाके और दिखाने वाला हूँ कुछ, तो 3 2 1 गो। गाइस ये देखो ये है मेरा चेस्ट रूम आज से, और भाई मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना खजाना है, ये देखो है ना, मतलब इतना तो नहीं है पर फिर भी मतलब 4-10 आयरन है और 3-5-8 ये हैं, और भाई सबसे ज़्यादा है ब्लू स्टोन जो कि मुझे पिछली वीडियो से भी शायद पहले मिला था मुझे याद नहीं। तो भाई मज़ा आया आज की वीडियो में भाई साहब, मतलब मैंने ये पूरी जगह खाली कर दी, ये मेरा बहुत टाइम से मन था इस जगह को खाली करने का। और भाई ये तुम लोग मत सोचो ये मैं बाद में कर लूँगा, ये मैं बाद में सही कर लूँगा, मतलब यहाँ पर डट लगा के और भी मैं उगाने लगा दूंगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो तो तुम लोग पसंद आई होगी, भाई साहब वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो।